तितली के रंगों से ये सजी है, प्यारी है पर धूप जली है। नारंजी आंचल में लिपटी नटखट सी एक शोख परी, दुनिया है कैसी मौज भरी, तितली के रंगों से ये सजी है, प्यारी है पर धूप जली है। हाय, अब तो लगता है कि गर्दन के नीचे किसी ने छुरी फिट कर दी। जरा इधर से उधर हुई नहीं और काम तमाम। अरे मर्द तो तहफ्फुज़ के नाम पे ना गले कटवा देते हैं, गले। तुम्हें मर्द कह रही है। मैं तो अब इनके लिए खाना कभी नहीं बना सकती। मुझे जो बोला सो बोला, लेकिन मेरी मदर को जो बोला वो मैं कभी बर्दाश्त नहीं करूंगी। खान भाई साहब, कभी बर्दाश्त नहीं करूंगी। नहीं बर्दाश्त कर सकती, इनकी माँ ना हुई मदर इंडिया हो गई। मगर मजबूरी से ज्यादा नुमाइशी पहलू नुमाया है। बेवा हो? अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा मतलब है कि बेवा जरूर हूँ, लेकिन खुदा की कसम बहुत शराफत की जिंदगी गुजार रही। तोशी, ये तोशी के बच्चे सुनता नहीं है मेरी बात। रुको, क्या था तुम्हारी मुट्ठी में? हाँ क्या था तुम्हारी मुट्ठी में? कुछ भी नहीं था, वो अल्लाह का नाम था अखबार में, उसे मैंने अपनी मुट्ठी में रख लिया। बेहद भी ना हो इसलिए मैं उसे मस्जिद के डब्बे में डाल के आ गया। बहुत तो कुछ और ही है, और आजकल में तो पता चल ही जाएगी। और अगर तुम्हारा झूठ पकड़ा गया ना, बहुत धुनाई लगाऊंगी तुम्हारी। एक नंबर की मनहूस औरत हो तुम। चूहे, वो चूहे मार दवाई जरूर लेकर आना। चूहे बहुत आ गए आजकल घर में, और अभी अभी मुझे एक चूहा भी नजर आया है। घर के अगर सारे चूहे मार लेना तो सबसे पहले ही अपने छिपकली जैसे भाई को ना सारी चूहे मार दवाइयां खिला दो। ये अगर मर गया ना तो छोटे छोटे चूहे तो ऐसे ही मर जाएंगे गरीबी में। ओए दो नंबर शाहरुख, मैंने तुझसे पंगा लिए कि तू खाम का बकवास करे जा रहे, साले उठा के फेंक दूंगा। जानवान है नहीं, भरम दिखाता है। अच्छा तू मुझे उठा के फेंक देगा? हाँ तुझे तो मैं नहीं छोड़ूंगा। खबरदार, जो मेरे यतीम भाई पे हाथ उठाया तो तुम्हारी लाश जाएगी इस घर से। अरे तो समझाओ ना अपने इस यतीम बदतमीज भाई को कि मुझसे तमीज से बात क्या करे। और वैसे भी तन्नो, मैंने एक बात नोट की है, तुम दोनों बहन भाई बहुत बदतमीज होते जा रहे हो। देखिए सड़क चापोगे तुम दोनों। लो भाई लो, ये तमीज सिखा रहे मौलवी तमीजुद्दीन। इधर आ, तुझे बताता हूं। मसला क्या है तुम्हारे साथ? हां क्या मसला है तुम्हारे साथ? हम तो चूहे मार दवाई की बात कर रहे थे, तुम्हें थोड़ी कुछ कह रहे थे। और तू कोई चूहा है क्या जो चूहे की बिरादरी के लिए लड़ना आ गया? क्या तू तन्नो, क्या तुम भी मुझसे तू तू करके बात करोगी? एटलीस्ट तुम तो मत करो ना। ओए होए भाई, बड़ा देवदास बना फिर रहा है, एक नंबर का नौटंकी है साला। नौटंकी? चल और वहीं खड़ा रहे, वहीं रहे। भाग इधर से, कलगी वाला मुर्गा, समझाओ इसको। बहुत बदमाश हो गया, बहुत बदमाश हो गया, और जब से यतीम हुआ ना तब से और बदमाश हो गया। बच के रहे ना तुम, जैसे ना ऐसी की तैसी कर देगा ये। तन्नो तन्नो, तुम क्या मुझसे रूड होती जा रही हो दिन ब दिन? अरे मेरी बात तो सुनो। छोड़ो मेरा हाथ। तुम जैसे बुजदिल के साथ यही होना चाहिए। क्या बकवास कर रहे थे तुम अपनी अम्मा से? हाँ क्या बकवास कर रहे थे कि मैं तुम्हारे पीछे पड़ी हुई हूँ, मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ, और तुम नहीं करते मुझसे मोहब्बत। अरे तो वो सिचुएशन ही ऐसी क्रिएट हो गई थी ना, मैं क्या करता, मैं फंस गया था। मुझसे पंगा लिया है ना तुमने, तड़पा तड़पा के मारूंगी। मैं कोई कुकु शुकु टाइप की लड़की नहीं हूँ जो मोहब्बत में रोती पीटती रहती है। मैं मोहब्बत नहीं करती, हुकूमत करती हूँ। हुकूमत शेरनी की हुकूमत। चूहे, चूहा कहीं का, तमीज कहीं का। सलमान, मेरे बच्चे सल्लू, इस फैमिली की छानबीन बहुत जरूरी है भाई। माँ बेटी जो हैं सो हैं, अगर वो जो मामू है
अल्लाह माफ करे, वो तो मुझे छठा वाला आदमी लग रहा है। बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे हारमोनियम लेके गाना बजाना करता फिरता हूँ, बिल्कुल मेरा सी। अरे बहन, खुदा रा मेरे भाई की तौहीन न करे। अरे मेरा भाई तो इतना अच्छा है, घर से सीधा मस्जिद और मस्जिद से सीधा घर आता है और कोई काम नहीं। ए भैया, किस किताब में लिखा है कि इंसान 24 घंटे इबादत करे और कोई काम काज ना करे? मजहब भी दीन और दुनिया को साथ लेकर चलने की तलकीन करता है। तुम लोगों के खराब हालात और फकीराना जहनियत का बहुत ताल्लुक है इससे कि तुम्हारा भाई जो है ना हट्टा कट्टा घर में बैठा हुआ रोटियां तोड़ रहा है। ये लीजिए शरबते थादर, गर्मियों में दिल को तकवीत और ठंडक देता है। ये लीजिए शरबते थादर, गर्मियों में दिल को तकवीत और ठंडक देता है। आई बड़ी वो टीवी मॉडल की तरह बोलने वाली। दादी, अब खाला बड़ी खुददार और जर्फ वाली औरत है। अच्छा, मुझे नहीं लगता। ये तुम सब लोगों की शक्लें मिरासियों जैसी क्यों हैं? ये नहीं समझ में आया मुझे। भाई मैं दूसरों की बेटियों पर तोहमत क्यों लगाऊं? मगर इसे देखकर तो ये लगता है कि ये खूब रक्स करती होगी, ताता थैया करती होगी। ये बिल्कुल रकासाओं वाली बाडी है। बहन, भाई हमारे खानदान में ये नाच गाना जो है ना बहुत ही मायूब समझा जाता है। अब ऐसी भी कोई मायूब बात नहीं है, अगर गाने और रक्स में तमीज और तहजीब मौजूद हो तो मेरे लिए काबिल कबूल है। अब जो गाने आ रहे हैं, मुझे तो लगता है इबलीस ने बाजे पे बैठ के ये सारी धुनें कंपोजिशन की होंगी। आप बिल्कुल ठीक कह रही, एक पहले जमाने के गाने होते थे, भाई सुहेल राणा थे, ख्वाजा खुर्शीद अनवर थे, निसार बज़मी थे, रशीद अतरे थे, नाशाद थे, नौशाद थे, अरे फिरोज निजामी थे, जी चिश्ती थे। ये हज्जानी तो मुझे फिल्मी मौसीकी की वालदा माजदा लग रही है। अरे वो बात दरअसल ये कि शादी से पहले ना मुझे रेडियो सुनने का बहुत शौक था। अरे मैं तो ऑल इंडिया रेडियो और रेडियो पाकिस्तान से फरमाइशी प्रोग्राम सुनती थी, लेकिन मेरे शौहर इतने मजहबी थे, शादी के बाद तो मैं उन्हीं के रंग में रंग गई। अब तो ये शौक कहीं बहुत पीछे चला गया। रशिका मैं दादी को नात सुना दो। जी, मैं? नहीं मैं। इधर तो आ जरा। अरे तू क्या भेंगी है? नहीं, मैं भेंगी नहीं हूँ। हाँ, मोहल्ले के तो सारे लड़के, मेरा मतलब है मोहल्ले की सारी लड़कियाँ मेरी आंखों की बहुत तारीफ करती थी जब मैं उनके घर नाच खानी करने जाती हूँ। शायद वो खुद भेंगी होंगी। तो दादी फिर क्या सोचा आपने इनके मुताले? ठीक है, आ जाएं ये लोग, मगर मेरी भी कुछ शराइत है, अगर मंजूर है तो ठीक है, वरना सलाम अलैकुम। रशिका मैं नात तो सुनाओ ना। जी, आप लोग भी साथ दीजिए। हाँ पढ़ो पढ़ो बेटा पढ़ो, नात और हम में क्या ऐसा शर्म की बात ही नहीं है। नात और हम में क्या करम मांगता हूँ, अता मांगता हूँ, इलाही मैं तुझसे। क्या बदतमीजी है ये होश नहीं होता? जूते यहां रखे हुए, मोजे यहां रखे हुए, गंदे सड़े हुए मोजे, सर फट गया मेरा बदबू से। एक हफ्ते से यही सड़े हुए मोजे पहनकर जा रहे हैं, वो भी गर्मियों में, दिमाग फट गया बदबू से मेरा। आज धो लूंगा। चाय बना दूं? रहने दो। हैं? खैरियत है? कोई मसला वसला दरपेश है? कैसा मसला? नहीं, कोई भी मसला नहीं है। नास मार लिया आपने अपना, बिल्कुल छोड़ दिया है खुद को,
वैसे आप मर्दों को हम औरतों से तो बड़ी तवक्कुआत होती है कि शादी के 20-22 साल के बाद भी बनी ठनी रहें, फिट फाट रहें, सरसब्ज और शादाब दिखें। खुद को देखें कभी। यकीन करें, मोहल्ले वाली रेहाना की बात सुनकर मुझे तो इतनी शर्मिंदगी हुई ना कि बस। वो मुझे कह रही थी कि खुद तो तुम बड़ी बेगम साहिबा बनी फिरती हो और अपने शौहर को देखो, बिल्कुल ही जोड़ नहीं है तुम्हारा उनका। तुम्हारे हुस्न पर तो आज भी नजर नहीं ठहरती और तुम्हारे शौहर को देखो, चपड़ासियों वाले हुलिये में घूमते हैं बिल्कुल ही। जब ही तो उस चैनल के ड्रामों में सारी शादीशुदा औरतें दूसरे मर्दों से रोमांस करती फिरती हैं। जाहिर है शादीशुदा औरतों का भी तो दिल है। मुझे क्यों घूर रहे हैं? मेरे नजरियात तो ख्यालात थोड़ी हैं कोई। मैं तो रेहाना की बातें बता रही हूं आपको। मैं तो सब्र शुक्र से गुजारा कर रही हूं ना। तस्लीम, मैंने कोई नेकी की होगी जो मुझे तुम जैसी बीवी मिली। खैरियत है? तबीयत वबीयत ठीक है आपकी? हाँ, अम्मा जान से जोरदार लात पड़ी होगी यकीनन। तस्लीम, मेरी एक बात मानोगी? बोलिए। देखो, मुझे पता है कि तुमने हमेशा मेरी बात रखी है, भाभी की तरह नहीं जिसे अपने शौहर की इज्जत का पास ही ना हो। भाभी ने अम्मी जान से काफी बदतमीजी की है। अम्मी जान ने कह दिया है कि भाई मैं इस बदतमीज औरत के हाथ का खाना नहीं खाऊंगी। इससे तो करोड़ दर्जे बेहतर वाजिद की दुल्हन है जिसकी आंखों में मेरे लिए लिहाज और मुरव्वत है। अच्छा अच्छा, तभी तो मैं कहूं कि आज टोन बड़ी बदली हुई है। मगर वाजिद साहब, आप चाहे मुझे कितना भी मक्खन लगा लें, कितनी भी मेरी खुशामदे कर लें, मगर मैं आपको बता रही हूं कि मैं आपकी वालदा मोहतरमा की खिदमत करने से कासिर हूं। समझ आई? इंसान खिदमत करता है दुआओं के लिए, और आपकी अम्मा ने मुझे आज तक क्या दिया है? बद दुआएं कोसने। तस्नीम, मेरी खातिर? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं हरगिज नहीं सुन सकती उनके जहरीले तबसरे अपने पकाए हुए खानों पर। खुद पकाएं और खुद खाएं जाकर। और अब तो खैर से माशाल्लाह उनकी बेटी भी बेवा होकर यहीं आन मरी है, तो उनकी जवान बेटी है ना उनके लिए। मैंने कोई ठेका नहीं ले रखा सबको ठोंसाने का। जाकर बता दें अपनी वालदा मोहतरमा को कि आपकी बीवी अब उनकी खिदमत करने से हाथ उठा चुकी है। जूते उठा के रखे साइड पर। रख रहा हूं। मेरे जो वाले साहब है ना, वो मर गए। मेरी जो अम्मी है वो इज्जत में घर में ना खाने के लाले पड़े कसम से। और मेरी जो बहन है वो पर्दा करती है, तो मजबूरन मुझे आना पड़ा। सौ बातों की एक बात, माल चोरी का है तो दाम भी चोरी वाले ही लगेंगे। क्या पागल पागल हो गए हो क्या अंकल? मेरे माथे पे क्या लिखा है? अरे भाई, सोने की बालियां, इतना सोना लगा हुआ है इसमें, तुम इतने कम पैसे दे रहे हो? दे मेरी बालियां, इधर दे। अरे एक काल मिलाऊंगा ना, हवालात में पड़ा होगा, जा नहीं देता पैसे। अरे अरे, मैं ऐसे ही बोल रहा था। बैठो बैठो, आराम से बैठो, दे दो फिर। अब और कोई बात नहीं यार, 3,000 रुपये दे दो। तो और दे दो यार। अच्छा, वो सर कैसे दिया? हाँ, ये 5,000। चलो ठीक है, मिलते हैं फिर। बात सुन, ले जाया कर माल अपना यहाँ, अगली बार अच्छे दाम दूंगा, वादा है मेरा। ठीक है। आए। देखा दादी, आपकी सारी शरायतें मान ली उन्होंने। अरे तो मैंने कौन सी बड़ी मुश्किल शरायत आयद कर दी थी? इस महंगाई के दौर में 3-3 जने भिखारियों को अपने घर में रखना कोई मामूली बात नहीं है। और तेरी जो छोटे ब्लाउज वाली खाला है ना, उसे तो मेरे पांव धो धो के पीना चाहिए। लड़की जरा आफत की परकाला लगती है, पर उसकी निगरानी पर मैं जो
खाला आप जा रही हैं क्या? मेरा मतलब है बाजी आप जा रही हैं क्या? और नहीं तो क्या करूं? यहाँ रुक के तेरे साथ दो गाना गाऊं या रामबा सांबा करूं? बाजी जा रही हैं। मौला आपको खुश रखे खाला। अल्लाह हाफिज। ले मौला खुश रखे आपको। अल्लाह हाफिज। अच्छा माँ को देख के ये लगता नहीं कि बेटी उसकी है। यकीनन जो बाप है वो बड़ा खूबसूरत आदमी होगा। आए, मुझे तो संतोष कुमार के अलावा कभी कोई वजी खूबसूरत मर्द दूसरा नजर आया ही नहीं। ऐ सुन, इन भिकमंगों के लिए ना कमरे को ज्यादा ठीक करवाने की जरूरत नहीं है, जैसा है वैसे ही गुजारा होगा। आए, आए। साजिद, साजिद। ओहो, आज तो बड़ी बिजलियां गिरा रही हो, अभी तूफानी। तुम एक काम करो, पर्पल वाली लिपस्टिक लगाओ ना, तुम पर बहुत सस्ती है वो। नहीं, वो तो मैं जामनी सूट के साथ ही लगाती हूँ। सुनिए, जरा जल्दी से तैयार तो हो जाइए, अम्मा के यहाँ जाना है। ये बैठे बैठे कौन सा प्रोग्राम बन गया अम्मा के घर जाने का? हालात गड़बड़ हुए, पूरा नाजमाबाद फेडरल एरिया बंद पड़ा हुआ। आपको बताया तो था बीबी बाजी की दावत है अम्मा के यहाँ। कौन सी, वो अमरीका वाली कजन? एक बात बता रही, अपने तक ही रखिएगा। आपकी आदत है कि बात को हर जगह मशहूर कर देते हैं और फिर बात बनती नहीं है तो बहुत शर्मिंदगी होती है। अच्छा नहीं कहूंगा, बताओ तो सही क्या बात है। वो कल रात को मेरी बेबी बाजी से कोई तकरीबन 40-42 मिनट फोन पे बात हुई। तुमने कॉल की थी? नहीं नहीं, उनका फोन आया था। शुक्र है। उनकी बड़ी वाली बेटी है ना सोनिया, उसके लिए आमिर का पूछ रही थी। कहने लगी देखे भाले लड़के से शादी करूंगी, चाहे लड़के पर इन्वेस्ट करना पड़े। तीनों बेटे और शोहर तो माशाल्लाह बहुत अच्छी तरह सेट है, जिंदगी बन जाएगी हमारे आमिर। बेटे का सौदा करोगी? ये ज्यादा जज्बाती फिल्मी मकाल में मत बोले, इसमें भला सौदा करने की क्या बात हुई? अच्छा मौका मिला है तो हमें चाहिए कि बस हम झपट लें। सौदे में और मौके में बहुत फर्क होता है। देखो निगत, मेरी और तुम्हारे खानदान वालों की वैसे बनती तो है, और ये तुम्हारी बेबी बाजी और मुसलीन, ये तो लगते ही मुझे ओछे जलील नीच किस्म के नौ दौलती है। जरा सा पैसा क्या आ गया, दिमाग खराब हो गया इनका। वरना कल तक वो असलम नारे वाला नहीं है, उसकी वहाँ बेटर था वो। जमाने तालिब इल्म है, जवानी के टाइम में पैसे मारने में ठीक ठाक फड्डा हुआ होता मेरा, पुलिस मोबाइल आ गई थी। पाकिस्तान इसीलिए तरक्की नहीं कर सकता, हम हर मामले में जातियात पर उतर आते हैं। जब कोई नीचे से तरक्की करके ऊपर आता है तो बजाय इसके कि हम उसे सराहें, उसके नक्शे कदम पर चले, तो हम इन घटिया बातों पर उतर आते। अरे वो तो पंक्चर लगाया करता था, अरे उसका बाप तो चूरन बेचा करता था, अरे उसकी माँ तो घर में झाड़ू पोछा लगाया करती थी। लानत है ऐसी गंदी ज़हनियत पर। तो तुम ये नेतागिरी मुझ पे क्यों भगा रही है दूसरों के लिए? हैं, एक बात साफ साफ सुन लो, जैसे तुम मुझे बाज़ोकात साफ साफ कह देती हो ना, ऐसे ही मैं तुमसे कह रहा हूँ कि मैं नहीं जाऊँगा तुम्हारे साथ। तुम्हारे बाप की आदत वैसे ही बहुत बुरी है, जब देखो दस्तरखान पर मेरे साथ आके बैठ जाता और मेरे एक एक निवाले पर नजर होती है उसे। इसी तरह बगैरती से एक दिन देख रहा था मुझे, जो ठसका लगा था मरते मरते बचा था, याद है तुम्हें? और तुम्हारी अम्मा जान तंजिया गुफ्तगू से बाजी नहीं आती कभी। कम अज कम मेरी अम्मा जान में एक खानदानी वकार बड़ापन तो है ना। निकाले 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 मुझसे बदले निकाले आप। कोई बात नहीं, मैं अभी शाहरुख के साथ चली जाती हूँ, मुझे भी आपकी मिन्नतें करने का कोई शौक नहीं। शाहरुख, शाहरुख, शाहरुख। माफ करें, बुढ़िया ने तो आधे सर का दर्द दे दिया। अब मैं एक बात बताऊं, तुम्हारी कसम खा के बता रहा हूँ, गाना है मेरी जिंदगी। अगर गाना जिंदगी से निकाल दिया जाए तो तबरेज खान जो है वो लाशें में तब्दील हो जाएगा। तो तबरेज, जो हालात है ना इसमें तो हमें बुढ़िया की सारी बातें माननी पड़ेंगी। अरे मुझे तो डर लग रहा है कि वो तंजीमी लड़के अगर इस बार आए ना, मेरी रश के कब्र को उठा के ले जाएंगे। अरे भाई भागना जरूरी है यहाँ से। मामा, अम्मा ठीक कह रही। अरे हारमोनियम ना अपने कपड़े वाली पेटी में डाल लेना, जब जरूरत पड़े निकाल लीजिएगा मौका महल देख के। अरे अब वो भी ऐसी कोई औरंगजेब नहीं है, गाने का शौक उसे भी है। अरे हम भी तो ऐसे खुल के सामने नहीं आ सकते, वरना सलमान की बनी बनाई कहानी खराब हो जाएगी। बस कल सामान उठा के निकल पड़ना है।
अगर ये बात है मेरी मैना मेरी दुलारी तो इस नगर के इस आखिरी दिन में कोई मौसीकी के तार छेड़ दे, मौसीकी का बसेरा कर दे भाई। ईमान से आप ऐसा लग रहा है जैसे हाथ पांव कटवा के मख्तल की तरफ बढ़ रहा हूँ। कब कभी तारी हो रही है, कब कभी नजा का सा आलम। वो आनंद नारायण मुल्ला जी ने वाह क्या बात की है, वाह हा 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 हा, कि ताकत के दोष पर है अजल से बशर की लाश, ताकत के दोष पर है अजल से बशर की लाश, बस यूं हुआ कभी कि कांधे बदल गया, वाह 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 क्या बात है, वाह। चल मेरी चिड़िया शुरू हो जा, शुरू हो जा बच्चे। हाय ये घर मेरा गुलशन है, गुलशन का खुदा हाफिज़। भाई तुम 10 दफा कहा है बेटा खुदा हाफिज़ ऐसे नहीं कहते, देखो गौर से सुनो मैं क्या कह रहा हूँ। ये घर मेरा गुलशन है, गुलशन का खुदा हाफिज़। खुदा इसको बेटा तू सीधा खुदा हाफिज़। हाँ अल्लाह निगेबान नशे मन का खुदा हाफिज़। ये घर मेरा गुलशन है, गुलशन का खुदा हाफिज़। ये घर मेरा गुलशन है। इस उम्मीद में मत रहना कि तुम और तुम्हारी बेटी और वो तुम्हारा मिरासी शक्ल वाला भाई यहाँ पर हाथ पे हाथ धरे बैठे रहें और खूब रोटियां तोड़ें। हाथ पैर हिलाओगे मशक्कत करोगे तभी निवाला मुंह में जाएगा। मैं तो यूं भी मुलाजमीन के लिए बड़ी जल्लाद हूं। बहुत हफ्स वाला मौसम है, चलो तुम्हें घर छोड़ दो। थैंक यू। आमिर भाई ठीक कह रहे, बहुत हफ्स हो रहा है, छोड़ दे मुझे घर। हाँ आओ बैठो। बाइक तो स्टार्ट करें। हाँ कर रहा हूँ। वैसे पता है बहुत सख्ती से पकड़ के बैठना, आगे स्पीड ब्रेकर बहुत है। बैठो बैठो। अये तकिए के नीचे तो रखी थी बालियां। हाँ तो अम्मा तकिए के ही नीचे थी। आपको भी ना बहुत जल्दी होती अम्मा, खाम खामे। जब सुनार के पास जाना था दराज खोल के निकाल लेती, बाहर निकाल के आपने रख दी। और शीरी ज्यादा माँ को समझदारी सिखाने की जरूरत नहीं है, दुनिया जमाने की पगलौट और दिमाग चली औरत मुझे लेक्चर दे रही। अरे लो, एक तो ये सलमान के बच्चे ने दिमाग खराब कर रखा था। मैंने तो सोचा था सुनार की दुकान का चक्कर लगा के उन भिखारियों के पास चली जाऊंगी। अम्मा कमरे में कौन कौन आया था? ए वो वाजिद की दुल्हन यहीं बैठी थी, तकिया उलट पलट करके देख रही थी। बस अम्मा उसी ने उठाई होंगी, इन दोनों की नजरें ना आपकी बालियों पे थी। मैं तो उसके हलक से निकाल लूंगी अपनी बालियां। देख लो अम्मा, चीखेंगी चिल्लाएंगी ड्रामेबाजियां करेंगी। संजीदा खातून जैसी जीरक और जहांदीदा औरत को जुल देना आसान बात नहीं है, पर एक बात है शीरी, वो भिखारी फैमिली जो है ना वो है बड़ी मनहूस, अभी घर में घुसी है नहीं कि चोरियां और डाके पड़ने शुरू हो गए। खैर मैं भी इंतहाई निचले दर्जे की जिल्लत आमेज जिंदगी दूंगी उन भिखारियों को। ना भाई ना, मैं नौकरों से हुस्न सुलूक की कायल नहीं हूं ना। मुझे क्या पता अम्मा, मैं तो बेवा हो गई,
अरे मेरा इरशाद चला गया, अरे मेरा चांद सब यहाँ, मेरे को छोड़ के चला गया। करम मांगता हूँ, अता मांगता हूँ, इलाही मैं तुझसे वा मांगता हूँ, करम मांगता हमारी लाज रख लीजिए भाई, यदि याद रखियो मैं पहली दफा कोई दुआ मांग रहा हूँ, लाज रख लीजिए। पैसे तो तुझे दे दिए थे ना भाई, उसी वक्त दे दिए, वापिस तो नहीं आने कोई पैसे। एक रोशनी अंधेरों में दिखला गया कोई यूं लगी। अस्सलाम वालेकुम बिरादर, मौला आपको खुश रखिए, सलमान को भेज दीजिए, उसी ने हमें ये पता समझाया था। अच्छा आप लोग वो जिससे कमरे की बात हुई थी उसकी? मैं बाप हूँ उसका। ओहो फिर तो गले मिलना बनता है भाई, पकड़ी उधर। बस बस ठीक है, बहरहाल में तारुफ करा दूँ, ये मेरी हमशीरा और ये जो बराबर में खड़ी है मेरी भांजी रश्के कमर। सुभान अल्लाह, मेरा मतलब है कि उस्ताद कमर जलाल भी याद आ गए। तुम्हारे चांद से रुख की कसम मैं ही हूँ कमर, जिगर का दाग दिखा दूँ जो एतबार ना। ए भाई अरे हमें तो अंदर भेज दो। अरे अच्छा नहीं लगता गैर मर्द के सामने हम मस्तूरात खड़ी रहे। भाई ठीक है हमने नकाब किया हुआ है, लेकिन एक पर्दा जहन का भी तो होता है। ऐसा करें कि आप रश्क कमर के साथ अंदर, मेरा मतलब अपनी भांजी के साथ अंदर चली जाएं। बेटा जरा बच के जाना थोड़ा सा। बात सुनो भाई, जैसे शरीफ नजर आ रहे हो ना उसे शराफत से रहना, मतलब लात मार के निकाल दूंगा यहाँ से। भाई मौला सलामत रखे आपको मालिक, इंशाल्लाह आपको इतनी सी भी शिकायत का मौका नहीं देंगे। आराम से। ओ भाई कहाँ गंजे टकले, घर में औरतें हैं हमारी भी, अपनी छप्पड़ कर दी हमारी ताड़ नहीं जा रहे अंदर, भेज रहा हूँ सलमान को। तस्नीम ने अरवी का सालन पकाया था, मुझे मछली समझ के खिला दिया। तो अम्मा आपने खाया था? धूल झोंक दी आपको। कौन हो भाई? वो बेगम साहिबा, मैं निशात और मैं रज के कमर। अच्छा अच्छा बेगम साहिबा, मैं निशात और मैं रज कमर। मुंह पे क्यों खड़ी हो, चलो पीछे हटो। वैसे शीरिन बड़े अरसे के बाद किसी के मुंह से बेगम साहिबा सुन के इतना अच्छा लगा है कि क्या बताऊं। और ये सुकड़ी निशास, मैंने तो तुझे एक नजर में देखते ही बता दिया था कि तेरी लड़की की आंखों में नक्श है, भेंगी है पूरी की पूरी। अब देखो ना मैं यहाँ बैठी हूँ, वो यहाँ देख रही है। मत देख ले, लड़की जवान है, पहरे पाबंदियां लगानी पड़ेंगी। अरे तो मैं किस लिए हूं? अच्छा है ऑन ड्यूटी अपनी जिम्मेदारी निभाऊंगी। ए शीरी मुझे तो वैसे भी बचपन से ना लोगों की सीआईडियां करने का बहुत शौक है। ए बात सुनो, ये अपने बुरके बुरके ढूंढती नहीं हो क्या? जी मतलाने वाली पता नहीं अंडे प्याज काई की बदबू आ रही है तुमसे। जी वो गरीबी में आटा गीला बहन, अब कपड़े धोने के लिए साबुन और पाउडर की जरूरत होती है ना, और वो पैसों से आता है, बस इसी शय की तो काल है हमारे पास। ए भाई शेरी,
ये तो बड़े निचले दर्जे के गरीब गुरमा है। खुदा झूठ ना बुलवाए, पिछले बरस जब मैं नफीसा की लड़की की शादी की शॉपिंग के लिए वहां गई थी जामिया क्लाद, कमोबेश इसी शक्ल की दो औरतें भीख मांग रही थी। अब वो जो लड़की थी ना, वो किसी फिल्मी गाने की तर्ज पर नात पड़ रही थी, पर झूठ नहीं कहूंगी, बड़ी सुर में थी। बेगम साहब, खुदा झूठ ना बुलवाए, हम तो भीख मांगने से बेहतर खुदकुशी करना समझते हैं। और ये भेंगी, मैंने कब कहा कि वो फकीरनियां तू और तेरी माँ थी? मैं तो वैसी मुशाबहत की बात कर रही थी, तू इस पर लड़ने मरने चली आई मुझसे। नहीं 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 बेगम साहिबा, माफ कर दीजिए, बच्ची है। अब ऐसी बच्ची भी नहीं है, कैसा पक्का चेहरा है। बिल्कुल सही कह रही है तू। अब मेरी बच्ची, हर एक के चेहरे पर तेरी तरह भोलापन तो नहीं होता ना। और नौकरानी, इस उम्मीद में मत रहना कि तुम और तुम्हारी बेटी और वो तुम्हारा मिरासी शक्ल वाला भाई यहाँ पर हाथ पे हाथ धरे बैठे रहे और खूब रोटियां तोड़े। हाथ पैर हिलाओगे, मशक्कत करोगे, तभी निवाला मुंह में जाएगा। मैं तो यूं भी मुलाजमीन के लिए बड़ी जल ला दूं। हे लड़की, इधर आ, पैर दबा। बुर्खा उतारो, किस बात पे इतना घबरा रहे हो? हम तुम्हें गबरू जवान लग रहे हैं, मुस्तफा कुरैशी शफकत चीमा बैठे हुए हैं यहाँ। उतार बुर्खा। जा जा, अपने मिरासी भाई को बुला के ला, जा। मुझे तो भैया दोनों एबनॉर्मल लग रही हैं। अम्मा, तुमने एक बार इरशाद को भी एबनॉर्मल कहा था। आए मेरा इरशाद, आए। अम्मा क्या पता वो अपने दिल में यही गम लेके चला गया हो। तुमने एबनॉर्मल कहा था इरशाद। उसके साथ मैचिंग चूड़ियां भी पहनी थी उसने। बड़ा इतराती है, बढ़िया है। मुझे तो जरा नहीं पसंद वो, अच्छी नहीं लगती। अच्छा वो मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ, अल्लाह। तुम क्या मेरी जासूसियां करते रहते हो चुबे? तनु, आज आखिरी दफा कह रहा हूँ, आज के बाद मुझे चूहा मत कहना। मैं किसी के बाप से भी नहीं लड़ती हूँ। किससे बातें कर रही थी? कोई नया पटा लिया ना? बकवास बंद करो, मेरी सहेली है ईमान, उसी से बात कर रही थी। अच्छा, ईमान से बात कर रही? खाओ जरा अपने मरे हुए बाप की कसम कि तुम ईमान से ही बात कर रही थी, खाओ। ये ना तुम पुरानी बुढ़ियों की तरह ना कसमें कसमें मत उठवाया करो मुझसे। भूल गई ना, भूल गई सारे वादे वो कसमें जो हमने खाए थे साथ, इतने सारे सेंट्स, इतने सारे परफ्यूम्स जो मैंने तुम्हें गिफ्ट किए, वो सारा क्रेडिट जो मैंने तुम्हारे मोबाइल में डलवाया, वो सब भूल गई ना तुम? भाई मैं तो अखरोट, एक बात लड़ गई सो लड़ गई। अच्छा, अब छोड़ भी दो ना तन्नो, तो पहली गलती तो बंदा माफ कर ही देता है, भूले भटके में हो ही जाती है, माफ कर देना प्लीज। मैं माफ करने के मूड में नहीं। तन्नो चलो, हो गया ना, मैं सॉरी बोल भी तो रहा हूँ। तन्नो अंदर जा। तू खुद चला जा अंदर और सर पे दुपट्टा ओढ़ ले, जमीन से होगा नहीं, हो गैरत के दौरे पड़ रहे हैं। इसे बात मत किया कर। क्यों क्यों बात ना किया करे? हैं, बहुत चर्बी छिड़की है सरत मुझे, बहुत चर्बी छिड़की है मुझे। अब बोलेगा, मेरी गर्दन छोड़, अब बोलेगा, आज नहीं छोड़ूंगा इसे, आज इसे मैं 100 रुपये लेकर आऊंगा। बहुत सताया इसे मुझे, शाहरुख नहीं छोड़ूंगा, जिसको जिसको मर्जी बुलाने बुला ले, आज इसको नहीं छोड़ूंगा, बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। छोड़ो, प्यार से बोल, प्यार से बोलो, मोहब्बत से बोलोगी, प्यार से बोलो, प्लीज बोलो, प्लीज बोलो। अबे छोड़ देना प्यारे भाई, प्लीज। क्या भाई? हाँ, भाई, भाई। अच्छा अच्छा, शाहरुख
प्लीज छोड़ दो ना, तुम मेरी बात नहीं मानोगे, छोड़ दो तोशी को प्लीज। और जा, छोड़ दिया तुझे, एहसान मान इसका, एहसान मान अपनी बहन का, सिर्फ इसकी वजह से छोड़ा तुझे मैंने, वरना आज तो मैं तेरा जनाजा ही उठवा देता यहाँ से। लो यही जनाजा उठवाएंगे। इतना पत्थर मुझे क्या कर दे तेरा। अच्छा चलो, जो होना था वो तो हो गया ना, छोड़ो अब बात को, दोस्ती कर लो। ऐसे धौंस से नहीं करूंगी मैं दोस्ती। हेलो, क्या कह रहा हूं मैं, समझ नहीं आ रहा, चलो दोस्ती कर लो। हाथ मिलाओ, दोस्ती करो। अरे क्या सोच रही हो, कर लो ना दोस्ती। हैप्पी फ्रेंडशिप डे। अच्छा। नहीं 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 बेअजी नहीं, हरगिज नहीं, मैं हीरे की अंगूठी नहीं लूंगी। नहीं ना, हीरे की अंगूठी नहीं ले सकती ना। नहीं, अच्छा भाई, बड़ी जिद्दी हैं आप भी। अच्छा चलें भाई, आपने कल शाम को मुरसलीन भाई के साथ आना है हमारे घर खाना खाने। आइएगा जरूर। आमिर तो अब आप ही का बेटा है, मैंने तो अपना जिगर गोशा बस आपके सुपुर्द कर दिया। अच्छा अपना ख्याल रखिएगा, बस अब मैं कुछ सुनूंगी नहीं, कल शाम को आपने हमारे साथ ही खाना खाना है, बहाना मत कीजिएगा। यहां पर मेरी इलायचियां रखी हुई थी, आपने तो नहीं उठाई कहीं? क्या मतलब है तुम्हारा, यानी मैं तुम्हारी इलायचियां फांक चुकी हूं? खैर मुझे लगता है अब तो हर चीज को ताले में रखना पड़ेगा। अच्छा है, चीजों के साथ साथ खुद को भी ताले में रख लो। सुने, मैं आपके मुंह नहीं लगना चाहती, लेकिन मैं आपको बता रही हूं कि इस किचन से मेरी बहुत सारी चीजें गायब हुई हैं। यानी मैं चोर हूं, यानी मैं चोरियां करती फिरती हूं? मुझे क्या पता, यूं भी मशहूर है ना चोर की दाढ़ी में तिनका। देखो तस्लीम, तुम यहां से दफान हो जाओ, वरना मैं तुम्हारे सर पे कुछ दे मारूंगी। वैसे भी अब इस घर में रहने वालों के लिए मेरे दिल में कोई लिहाज और मुरव्वत नहीं है। दिल चाहता है कि तालिबान से राब्ता करके यहाँ पे एक बम लाके नष्ट कर दूं, ताकि मुझे सब टॉर्चर करने वाले जहन्नुम रसीद हो जाएं। कर लें, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला मुझे, क्योंकि वैसे भी कुकू की शादी होने वाली अगले साल, वो तो स्कॉटलैंड चली जाएगी, हम भी वहीं चले जाएंगे। यहाँ हमारे लिए रखा ही क्या है, दुश्मनियां, ऐबदारियां, बुराइयां, नफरतें, बस। ये क्या हर वक्त तुम जाहिल गवारों और ओछे अंदाज में स्कॉटलैंड स्कॉटलैंड करती रहती हो? बेबी बाजी की लड़की सोनिया के साथ आमिर की बात तय हो रही है, लेकिन हमने तो कभी अमरीका 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 नहीं किया। जिनके बाप ने कभी कुछ ना देखा हो, वो ही भिखारियों की तरफ पागल हो जाते। क्या बाप तक मत पहुंचे मेरे? और किसको भिखारी कहा आपने? मैं भिखारी लगती हूँ आपको? मैं भिखारी हूँ क्या? देखो तस्लीम, मेरी मुंह मत लगना, वरना मैं इस घर को आग लगा दूंगी। वैसे भी मेरे अंदर आजकल एक अजीबोगरीब रूह घुसी हुई है, मैं तो खुदा ही कसम जरा भी आसरा नहीं करूंगी किसी को नीस तो नाबूद करने में। जितना मैंने बर्दाश्त करना था कर लिया, अब तो जैसे को तैसा होगा इस घर में। अरे अरे अरे, ऐसा क्या बर्दाश्त कर लिया आपने, होश में तो है या बाप होश में? इतने सालों तक आपने अपनी ही चलाई है, वो तो शुक्र अदा करें कि आपको भाईजान जैसा जूतियां सीधी करने वाला और बीवी के आगे पीछे फिरने वाला शौहर मिल गया। हमारी तरह नहीं कि शौहर की बकवासें भी सुनो और ससुराल वालों की भी। मैं तो कहती हूँ आप जैसी औरतों को शुक्राने के नवाफल अदा करने चाहिए कि ऐसा शौहर मिल गया है, नहीं तो लग पता जाता आटे दाल का भाव। हमारी तो किस्मत ही खराब है। तो तुम मेरे शौहर को सोच सोच के क्यों आहें भर रही हो?
और माफ करना, तुमने खुद अपने शोहर को चपरासी बना के रखा हुआ है, खुद इतने महंगे महंगे लॉन के सूट पहनती हो और वो बेचारा मसले हुए मेले कुचेले कपड़े पहनता है। एक तो अल्लाह माफ करे, शक्ल पर ही इस कदर गुर्बत है और ऊपर से इस हुलिये में। देखो तस्नीम, यहां से दफान हो जाओ, मुझे खाना पुरसकून माहौल में बनाना होता है। बढ़िया इस जुबैदा तारिक। खैर भाभी, ये जो मेरी इलायचियां चोरी हुई है ना, इनकी तो मुकम्मल छानबीन होगी, पूरी तफ्तीश। ऐसे नहीं छोड़ूंगी मैं आप। जा, गंवार औरत। दिल्ली के रंगों से ये सजी है। मुझे पता नहीं तुम पे क्यों इतना तरस आता है, हालांकि किसी लड़कियों पे इतना तरस नहीं आता मुझे। अगर मेरी लड़की को तुमने फांसा तो मैं तुम दोनों को जहन्नम रसीद कर दूंगी। मर्द का आखिरी सांस भी हो ना तो उस पर एतबार ना करना, क्योंकि वो आखिरी सांस तक बेवफाई कर सकते। तुम्हारी शादी वहाँ होगी तो तुम अपने छोटे भाइयों के लिए भी रस्ते निकालोगे। मुझे तो अपनी मिट्टी से प्यार है। हाँ हाँ, तो 2-4 किलो मिट्टी तुम्हारे साथ यहाँ से कर दूंगी, डब्बे में भर के रख लेना, जब कभी मुल्क की याद आएगी सूंघ लिया करना। झगड़ों की ये जड़ है, फिर भी इसको कब कुछ डर है, फिर भी अपनी सी लगती है जिंदगी बीवी के जैसी है। नारंजी आंचल में लिपटी नटखट सी एक शोख परी।